से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को चाकू मारकर 5 लाख के आभूषण सहित 35,000 कैश और मोबाइल लूट लिया है। लूट की यह वारदात सराय ओपी के महापुर की बताई जा रही है। घटना तब घटी जब स्वर्ण व्यवसायी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। घटना स्वर्ण व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि सिवान में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायी को चाकू मार दिया है अपराधियों ने और 5 लाख का आभूषण सहित कैश भी लूट लिया है। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी से चाकू मारकर 5 लाख के आभूषण सहित 35,000 रुपए लूट लिए हैं अपराधियों ने। लूट की यह पूरी वारदात सराय ओपी के महापुर की बताई जा रही है। घटना तब घटी जब स्वर्ण व्यवसायी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुमला में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक सन की प्रेमी ने प्रेमिका के घर वालों को धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के चंडाली गांव की है। इस संबंध में लड़की के परिजन ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान नरेंद्र क्रिकेटर रूबीना से प्यार करता था और रूबीना का अश्लील वीडियो बनाकर कैंप के अन्य साथियों के साथ शेयर करता था। इसी बात को समझाने के उद्देश्य से हम लोग उसके घर गए थे। इसी दौरान उसने भुजाली से हमला कर 9 लोगों को घायल कर दिया। बता दें कि सभी घायलों का इलाज करने के दौरान स्थिति गंभीर होने से चिकित्सकों ने रांची रिम्स रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पति पत्नी का झगड़ा था जो यहाँ ढूकू पर था, है ढूकू के नाम पे 5 साल से रहती थी। उसी पति पत्नी के झगड़ा को सलटाने के लिए दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे और उसी में विवाद हो गया। इसी में जो है लड़का पक्ष जो कि जॉब में भी है, उसके द्वारा कुछ आदमी को मार के घायल कर दिया गया है। राज्य में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला आरा के वालीगंज धरारा चौकी के नजदीक का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने पार्टी से लौट रहे 2 बहनों को गोली मार दी, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के महिला पॉलिटेक्निक के समीप स्कूटी और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी में सवार एक किशोरी समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। जानकारी मिला आपको तो सुने कि वो मतलब बाल्टी थाना अंतर्गत हाँ पर्टी का गाड़ी से और स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ है आपस में टकरा के। हाँ हम हॉस्पिटल अभी आए हैं, अभी सुने एक्सीडेंट हुआ तो अभी अंत परीक्षण के लिए जो आगे कार्रवाई के लिए हम आए हॉस्पिटल। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों का अभी सुने मतलब घायल एक जवान लड़का घायल है, एक छात्रा भी है। सुपौल में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल सुपौल से मरौना जा रही पवन ट्रेवल बस भालुवाही बांध से 20 फीट नीचे पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। मृतकों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग जुट गए और घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान बस असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो गई। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सुपौल में सड़क हादसा हो गया है, जहां बस में 50 से अधिक लोग सवार थे। खबर
औरंगाबाद जिले के बराही बाजार में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे थे। बताया जा रहा है कि बाइक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं दुर्घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। और हम लोग करीब रात को 2 बजे यहां से लेकर आए हैं डेडबॉडी को। अभी तक प्रशासन के प्रोसेस प्रक्रिया भी चालू नहीं हुई है। घटना आते कर में हुई है। मोतिहारी के चकिया अस्पताल परिसर में पेड़ काटने के विरोध में ANSUI के छात्रों ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पेड़ करीब 100 साल पुराना है और जहां सरकार पर्यावरण बचाने की बात कर रही हो, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई की जा रही है। आंदोलन कर रहे हैं चकिया सदर अस्पताल के गेट पर। यहाँ रात को 107 साल पुराना पेड़ काट दिया गया है रात को, जबकि किसी को भी पता नहीं है। ठेकेदार और हॉस्पिटल प्रशासन के मिली भगत की वजह से काटा गया है पेड़। सरायकेला जिले के चांडिल दलमा क्षेत्र के चकुलिया से मंदिर निर्माण कमेटी ने महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में पूजा और अन्य कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही मेला कमेटी का गठन भी किया गया। इस दौरान मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष दड़ाए बुरू ने बताया कि आने वाले महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। शिव मंदिर चाकुलिया की ओर से पुनर्गठन किया गया और युवा को छोड़ दिया गया है, जिसमें हम लोग काफ़ी प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जैसे कि झूमर संगीत, छौ नृत्य और रात्रि प्रोग्राम में पर्दा का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग अच्छा से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं देवघर के समरणालय में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाबा मंदिर प्रभारी सह SDPO दिनेश कुमार यादव, पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सहित कई विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कोविड नियमों के अनुपालन, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सुविधा से संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। महाशिवरात्रि है और बाबा नगरी में ये एक बहुत बड़ा उत्सव का और आस्था का पर्व है, तो हम लोगों ने उसको चलते हुए पूरा देवघर को प्लास्टिक फ्री करने की दिशा में एक पहल किया है कि मार्च 10 से जो है मंदिर प्रांगण में और मंदिर के आसपास जो भी दुकान है वो थर्मोकोल का बिक्री और उपयोग न। लातेहार जिला के बरवाडी में CRPF 112 बटालियन की ओर से सिविल एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के बीच कंबल, रेडियो, सोलर लाइट, स्कूल बैग, कॉपी, पेन, टूलबॉक्स सहित अन्य सामानों का वितरण किया गया। इस मौके पर CRPF 112 बटालियन के कमांडेंट देवाशीष विश्वास भी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से बिहार सहित देश भर के अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी का कहना है कि सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को घटाने पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल 60% टैक्स लगाया जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का 4th मैच शुरू हो चुका है। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। आपको बता दें कि इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से पीछे चल रही है। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के परिसरों पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापा मारा था।
वहीं एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के परिसर पर छापेमारी की वजह सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है, यह कार्रवाई उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने छापे की आलोचना भी की। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं, निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहे नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।